अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन, आपने प्रीवियस लेक्चर टोपोलॉजीज के बारे में, नेटवर्क के बारे में सुना होगा, इसको प्रिपेयर किया होगा। आज हमारा छोटा सा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। इसमें दो टाइप्स के हमारे पास आ जाते हैं, एक होता है होम बेस्ड नेटवर्किंग और एक होता है बिजनेस बेस्ड नेटवर्किंग। होम में नेटवर्किंग का क्या रोल प्ले होता है और बिजनेस के अंदर क्या नेटवर्किंग का रोल प्ले होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है तो शुरू करते हैं हम। होम नेटवर्किंग का नाम से पता चल रहा है कि होम नेटवर्किंग मीन्स के घर के अंदर रहते हुए हम एक या एक से दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और थ्रू नेटवर्किंग हम अपना डाटा शेयर करते हैं। यहाँ तक तो हमने नेटवर्क की बात सुनी थी। व्हाइल अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय द इंजीनियर, दूसरे नेटवर्क जो हैं वो बिल्ड बनाए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं बाय द इंजीनियर्स। जो टेलीकॉम इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो मेंटेन करते हैं उसको। लेकिन होम नेटवर्क बिलोंग्स टू द ऑर्डिनरी होम ओनर पीपल, ऑफन विद लिटल और नो टेक्निकल बैकग्राउंड। लेकिन जो होम नेटवर्क है वो बिलोंग करता है किसी घर के मालिक से, कोई आदमी जो वहाँ रहता है या जिसने थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड जिसका है या नहीं है। वेरियस मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस ब्रॉडबैंड राउटर्स हार्डवेयर डिजाइन टू सिंप्लीफाई होम नेटवर्क सेटअप। कुछ हमारे जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने ऐसे ब्रॉडबैंड राउटर्स बनाए, डिवाइसेस बनाई, हार्डवेयर बनाए, इस तरह डिजाइन किए गए जो होम सेटअप के लिए यूज किए जाते हैं। होम ब्रॉडबैंड राउटर अलाउ डिवाइसेस इन डिफरेंट रूम्स टू एफिशिएंटली शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इनेबल पीपल टू मोर इजी शेयर देयर फाइल्स एंड प्रिंटर विद इन द नेटवर्क एंड हेल्प विद आवर ऑल नेटवर्क सिक्योरिटी। सपोज अभी आपके घर में सेटअप नीचे और एक सेटअप ऊपर है आपके फर्स्ट फ्लोर पर, तो क्या हुआ, आपने राउटर्स लगाए, ब्रॉडबैंड राउटर्स लगाए, डिवाइस लगाई, वो किस लिए लगाई? एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए, आपको फैसिलिटीज जो आपको मतलब सेम जो नीचे वाले सेटअप में मिल रही है सेम एज इट इज आपको ऊपर वाले सेटअप में भी मिले। राउटर्स क्या करते हैं, आपके काम की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म ऑफ सिग्नल एनहांसमेंट, इन टर्म ऑफ शेयरिंग ऑफ योर डाटा, इन टर्म ऑफ शेयरिंग योर रिसोर्सेज, मतलब आपस में रिसोर्सेज जो है वो जनरेट करते हैं। ये नहीं कि आपका अगर नेटवर्क नहीं इस्टेब्लिश हुआ हुआ है और अगर आपने कोई ईमेल सेंड किया या कोई प्रिंट आउट निकालना है या किसी को भेजना है तो क्या होगा, आप नीचे से आवाज़ें तो नहीं लगा रहे होंगे क्योंकि एक घर ही में होंगे, आप नीचे से आवाज़ें तो नहीं लगा रहे होंगे और यार देखना प्रिंट निकल तो नहीं आया, तो इस तरह का नहीं होगा। आप एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होंगे और आप दोनों को पता चल रहा होगा कि हम दोनों किस तरह अपने रिसोर्सेज और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं। आगे करते हैं, होम नेटवर्क हैव इंक्रीज इन कैपेबिलिटी विद ईच जनरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। होम नेटवर्क वैसे वैसे इंक्रीज होता गया, उसकी कैपेबिलिटीज के अंदर इंक्रीज होती गई जैसे जैसे जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू आती गई। इयर्स अगो पीपल कॉमनली सेट अप देयर होम नेटवर्क जस्ट टू कनेक्ट अ फ्यू पीसेस, शेयर सम डॉक्यूमेंट्स एंड परहैप्स अ प्रिंटर, और अगर आपने कोई प्रिंटर भी अगर साथ अटैच करना है किसी कंप्यूटर के तो वो भी आप कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। नाउ इट्स कॉमन फॉर हाउस होल्ड टू ऑल्सो नेटवर्क गेम्स कंसोल्स डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर एंड स्मार्टफोन्स फॉर स्ट्रीमिंग साउंड एंड वीडियो। और अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि हमारे लिए
नेटवर्क के थ्रू हम कोई भी डिजिटल गेम जो है वो आपस में खेल सकते हैं। और मतलब एक ऊपर सेटअप में कोई गेम, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि हम नीड फॉर स्पीड जो है वो खेला करते थे। बहुत पुरानी गेम है, बचपन से ही खेलते हुए आ रहे हैं। अब तो उसके बहुत एक्सटेंडेड नेक्स्ट वर्जन्स आ गए हैं। और इसी तरह टेकन 3 के बारे में हम खेलते थे। तो उसके बाद अब जो मॉडर्न गेम्स आ गई हैं, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी है, ये भी पुरानी है, लेकिन अब इनके मॉडर्न वर्जन्स आ गए हैं, वो बहुत हैवी होते हैं। ये भी आप थ्रू नेटवर्क जो है वो एक दूसरे से खेल सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं और आपका दोस्त लाहौर बैठा हुआ है, या अगर आप घर में हैं, तो अगर आप घर में ही एक कंपटीशन लगाना चाहते हैं तो एक ओपोनेंट आपका बन जाता है कोई भी, और आप इजीली उसके साथ वाया नेटवर्क गेम खेल सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं बिजनेस नेटवर्क, स्मॉल एंड होम ऑफिस SOHO एनवायरनमेंट आर सिमिलर टेक्नोलॉजी एज फाउंड इन होम नेटवर्क। ये वैसे ही स्मॉल होम ऑफिस जो एनवायरनमेंट है वो सेम ऐसे ही है जैसे हमने होम नेटवर्क के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। बिजनेस ऑफन हैव एडिशनल कम्युनिकेशन डाटा स्टोरेज, उसमें भी होता था लेकिन कम होता था, एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स दैट रिक्वायर एक्सपेंडिंग देयर नेटवर्क इन डिफरेंट वे पर्टिकुलर एज द बिजनेस गेट्स लार्जर। लेकिन हाउस होल्ड में ये क्या होता था कि हम लिमिटेड एरिया में रहते हुए अपना काम करते थे, लेकिन बिजनेस नेटवर्क में आपको थोड़ा एडिशनल कम्युनिकेशन चाहिए होता है, डाटा स्टोरेज चाहिए होता है, डाटा की सिक्योरिटी चाहिए होती है, और कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि अगर हमें अपना बिजनेस एनहांस करना है तो उसके साथ साथ नेटवर्क भी उतना एनहांस हो जाए। वेयर एज अ होम नेटवर्क जनरली फंक्शन एज अ लैन वन लैन, मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर बेस होता है, लेकिन अ बिजनेस नेटवर्क टेंड्स टू कंटेन मल्टीपल लैंस। लेकिन बिजनेस में जो ऑफिस में यूज़ किया जाता है वो मल्टीपल लैंस यूज़ किए जाते हैं, छोटे छोटे लोकल नेटवर्क्स को मिला के एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क बनाया जाता है। कंपनीज विद बिल्डिंग्स इन मल्टीपल लोकेशन यूटिलाइज वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर जो कंपनीज जिनकी बिल्डिंग्स हैं लेकिन मल्टीपल लोकेशन हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, जिस तरह नादरा के ऑफिस हो गए, या जो आपके जायज़ वगैरह, जोंग वगैरह के रीजनल जो ऑफिस हो गए, वो लेकिन सेम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मुल्तान का ऑफिस तो यहाँ है, लाहौर का ऑफिस भी यहाँ पर हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोकेशन वाइज डिफरेंट है। तो वहाँ पर कौन सा वो नेटवर्क यूज़ करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क वैन वो यूज़ करेंगे टू कनेक्ट दीज ब्रांचेस ऑफिसेस टुगेदर। अब आप ये देखें, आपने अगर आर्मी की चेक पोस्ट क्रॉस की होगी कभी, आप जस्ट सिंपली अपना CNIC उनको स्कैन करवाते हैं, और नादरा की डेटाबेस कहाँ पर है, उधर से डाटा फेच होकर आपकी स्क्रीन पे नज़र आता है कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आप क्लियर हैं, कोई आपने टेररिज्म वाले किसी भी या कोई भी आपने इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो आप जा सकते हैं उस चेक पोस्ट से। यही बात कि वो कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ नहीं करते। थ्रू ऑल्सो अवेलेबल एंड यूज बाय सम हाउस होल्ड नेटवर्क स्टोरेज एंड बैकअप टेक्नोलॉजीज आर कॉमन इन बिजनेसेस। हमारे पास जो है हमारा नेटवर्क स्टोरेज होना चाहिए, बैकअप टेक्नोलॉजी होना चाहिए हमारा, अगर अल्लाह ना करे कहीं कोई बर्न हो जाता है, कोई भी चीज़, कोई भी डिज़ास्टर हो जाता है, तो हमें अपना डाटा सिक्योर करने के लिए हमें कोई बैकअप टेक्नोलॉजीज यूज़ की होती हैं, वो बिजनेसेस में बहुत काम आती हैं। लार्जर कंपनीज ऑल्सो मेंटेन देयर ओन इंटरनल वेबसाइट्स, और जो बहुत बड़ी लार्ज कंपनीज हैं वो अपनी वेबसाइट्स भी बनाती हैं और उनको खुद ही मेंटेन करती हैं, कॉल्ड इंट्रानेट टू हेल्प विद एम्प्लॉयज बिजनेस कम्युनिकेशन। और इंट्रानेट वो यूज़ करते हैं किसके लिए, अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, जो आपस में एम्प्लॉय यूज़ करते हैं। आगे आ जाते हैं वाइड एंड वर्सेस वायरलेस नेटवर्किंग। वायरलेस और वाइड और वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं। मैनी ऑफ द सेम नेटवर्क्स प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल वो होते हैं जो हमें रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए प्रोटोकॉल है। लाइक
लेकिन कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में ये प्रोटोकॉल्स नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अंदर आते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक TCP/IP प्रोटोकॉल्स वर्क इन बोथ वर्ल्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। ये TCP/IP प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास जो नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं। IP एड्रेसेस अक्सर आपने अगर कभी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो तो आप देखा करें, आपका एक कोई एक यूनिक IP एड्रेस आपको जनरेट होता है, ये वही IP लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि ये वाला जो नेटवर्क है TCP/IP प्रोटोकॉल क्या करता है, ये दोनों में काम करता है कि इसमें वायर्ड में भी अगर वायर में लगा हुआ है नेटवर्क तो तब भी ये काम करेगा, और अगर वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश है तो तब भी ये काम करेगा। नेटवर्क विद ईथर नेट केबल्स प्रीडोमिनेटेड इन बिजनेस स्कूल्स एंड होम फॉर सेवरल डिकेड्स। जो इथरनेट नेटवर्क्स में इथरनेट केबल्स यूज़ की जाती है, जो नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ की जाती है, वो बहुत ही प्रीडोमिनेटेड है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ है हर जगह। अगर आप जब भी नेटवर्क स्टैब्लिश की बात करेंगे तो इथरनेट केबल के बारे में बात होगी, उसी के थ्रू स्टैब्लिश किया जाएगा। बिजनेस में जहाँ भी जाएँ आपको ये केबल नज़र आएगी, स्कूल्स में अगर नेटवर्क स्टैब्लिश है तब भी, होम में, तो ये बहुत अरसे से यही जो ट्रेंड है ये सेट हुआ हुआ है। मोर रिसेंटली हाउएवर वायरलेस ऑल्टरनेटिवली हैव इमर्ज एज द प्रीमियर टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग अ न्यू कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन जैसे ही अभी की बात करें हम, तो वायर जो है वो कम से कम उसका यूज़ किया गया, और वायरलेस नेटवर्क को की तरफ लोगों ने ज़्यादा रुझान किया, और उसकी तरफ लोगों ने अपना ट्रेंड सेट किया। क्यों? क्योंकि वायर की एक तो कॉस्ट पड़ती थी, और वायरलेस की इतनी कॉस्ट नहीं, मतलब उसमें वायर ही नहीं यूज़ होती, तो इसलिए वो लोग यूज़ करना शुरू हुए, जहाँ भी बिजनेसेस में, ऑफिसेस में, कंपनीज में। कहते हैं इन अ पार्ट टू सपोर्ट स्मार्टफोन्स एंड द अदर न्यू काइंड ऑफ वायरलेस गैजेट्स दैट हैव ट्रिगर्ड द राइज ऑफ मोबाइल नेटवर्किंग। इसमें क्या हुआ कि न्यू कंप्यूटर नेटवर्क जो आए उसमें ये भी सपोर्ट हमें दी गई कि आप अपने सब सिंपल स्मार्टफोन से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और दूसरे डिफरेंट गैजेट, जो स्पेशल गैजेट जो नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए भी आपको सिर्फ ट्रिगर मीन्स के आपको क्लिक परफॉर्म करते थे और आपको चीज़ें जो है वो मिलना शुरू हो जाती थी। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। आगे हम पढ़ेंगे विंडो एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और इनकी नेचर्स के बारे में, फिर हम आगे आ जाएंगे। बल्कि इसका अच्छा नहीं ये वाला, ठीक है, विंडोज़ आज इसी को पढ़ लेते हैं। विंडोज़ एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। विंडोज़ और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? विंडोज़ जो आप यूज़ कर रहे होते हैं ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप आइकन्स के थ्रू आप इंटर कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू यूज़र और कंप्यूटर। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन यूज़ किए जाते हैं, बल्कि पूरी कमांड देनी चाहिए होती थी हमें, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंटरेक्ट करता था। लेकिन विंडो में ऐसा नहीं है, विंडो में जस्ट आप आइकन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। विंडोज़ इज़ ईजी टू लर्न, लेकिन डॉस में आपको डिफ़िकल्टी होती थी, हर कमांड को आपको याद रखना पड़ता था। विंडोज़ जो है वो सपोर्ट मल्टीटास्किंग है, लेकिन जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल टास्क परफॉर्म करती है एट अ टाइम। विंडोज़ इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं इससे ज़्यादा। लेकिन डॉस जो है वो कम, मतलब उससे कैपेबल है, लेकिन वो सिंगल यूज़र ही ऑपरेट करती है। विंडो स्पोर्ट्स मल्टीपल प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेसिंग एक काम अगर हम मतलब मीडिया प्लेयर चला रहे हैं तो साथ में कोई गेम खेल रहे हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो मल्टीपल प्रोसेस हो रही हैं, डाउनलोडिंग भी हो रही है। लेकिन जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ सिंगल प्रोसेसिंग एट अ टाइम करता है। विंडोज़ प्रोवाइड प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़। प्लग एंड प्ले के बारे में ये है कि जिस तरह आप USB लगाते हैं लेकिन आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कोई आप अगर मोबाइल साथ अटैच करते हैं तो आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, वो खुद ही जज कर लेता है कौन सी में ऐसा डिवाइस कनेक्ट हुई है। डॉस डज नॉट प्रोवाइड प्लग एंड प्ले, इसमें खुद जाके इस्टेब्लिश करना पड़ता है आपको।
कनेक्शन, और सेवन पॉइंट में वो विंडो रिक्वायर्स मोर पावरफुल हार्डवेयर टू रन। विंडो के लिए जो है वो अच्छा एक पावरफुल हार्डवेयर चाहिए उसको रन होने के लिए, लेकिन जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए लेस हार्डवेयर भी चलता है, इतना उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए होती। और लास्ट में पॉइंट है विंडोज सपोर्ट द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, इसमें सपोर्ट होती है हमें कीबोर्ड की और माउस की, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होती है डॉस में हमें सिर्फ कमांड के थ्रू हम जो है काम कर सकते हैं, और वो कमांड्स के थ्रू किस तरह हम काम कर सकते हैं, इनपुट किस तरह दे सकते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ है कीबोर्ड के थ्रू हम दे सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस विंडोज एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। होपफुली आपको ये गेट किया होगा आपने ये वाला लेक्चर, और इसको प्रिपेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, फी अमान अल्लाह।